हेलो गाइस। तो यार आज हम लोग थोड़ा सा काफ़ी लेट आए हैं नीचे, ऐसे ही मूड हो रहा था तो नाइट वॉक के लिए आए हैं आज हम लोग। और वहाँ पे भी कुछ दोस्त हैं जो जूलियट के, बट मिलते नहीं ज़्यादा। एक लैब है और एक मिक्स ब्रीड है। हियर इज़ माय जूलियट, मेरी प्यारी बेटी। चलो आ जाओ बाबू, चलो। ऐसा रात में निकलने का प्लान बनाया था क्योंकि वो दोनों मेल हैं एक्चुअली, तो जूलियट को पसंद नहीं है मेल डॉग्स अपने आसपास भी देखना या उनको आने देना, तो मैं क्लोज नहीं लेके जाता जूलियट को। इवन जूलियट खुद ही नहीं जाती है, बस देखती है। एक ही मेल फ्रेंड है, मिक्स ब्रीड है, जो अभी नहीं आया है, लेकिन किसी दिन मैं आप लोगों की उससे मुलाकात कराऊंगा। नो जूलियट नो, किसी दिन मैं मुलाकात कराऊंगा आपकी। जूलियट देख रही है कैसा आई कांटेक्ट कर रही जूलियट तुम, चलो आ जाओ। अच्छा नो, कम कम बच्चे, जूलियट चलो। यही बच्चा जूलियट अभी ऐसे देख रही है, उसको डरा देगी जूलियट। नहीं डराओ नहीं यार, प्लीज जाने दो बच्चे को। नो चलो, जूलियट बहुत दादागिरी करती है यार कभी कभी, और कभी कभी डर जाती है। वेल अच्छा लग रहा है यार, ठंडा है मौसम, काफ़ी फिजी है। ये मुंबई गोरेगांव ईस्ट का लोकेशन है, काफ़ी फिजी है और बारिश नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश ज़्यादा पसंद नहीं है हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सूखा हुआ तो हम आ गए नीचे राउंड मारने के लिए। जूलियट ने सिसु पट्टी कर लिया है। चलो मैं जानबूझ के जूलियट को अकेले नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है हमेशा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए और कितनी समझदार क्यों ना हो जाए। इवन जूलियट जब अपने पापा के साथ आती है, मीन्स मेरे चाचू के साथ बाहर आती है, तो वो छोड़ देते हैं उसको एक्चुअली, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, वो मैनेज हो जाता है, बट मेरे साथ मैनेज नहीं हो पाता। तो क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं ना, तो बहुत डर लगता है गाड़ियों का यार। तो इवन ऑटो बहुत तेज़ आते हैं यहाँ पे, ऑटो बहुत तेज जाते हैं, तो इस वजह से इधर 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 इधर। एक दिन तो क्या हुआ था मैं आपको फ़नी इंसिडेंट सुनाता हूँ जूलियट का। एक दिन ऐसा हो गया कि जूलियट ऐसे बिना लीश के घूम रही थी और चाचा अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे, और जूलियट किसी के ऑटो में जाके बैठ गई है ना। हैं वो ढूंढ रहे हैं उनको, ढूंढ रहे हैं जूलियट को, जूलियट मिल नहीं रही थी, थोड़ी देर बाद मिली, उतरी ऑटो में से। मैं बोला भाई ऐसा मत करो, बच्ची को ले जाएगा मेरे कोई। तो तब से बहुत ध्यान दिया जाता है जूलियट को, इधर उधर आते जाते सब देखते रहते हैं। मैं तो हमेशा पकड़ के ही चलाता हूँ उसको कि भाई तू मेरे साथ ही चल। बहुत रेयर केस में मैं उसको कभी कभी ओपन कर देता हूँ, देखो ऐसे गाड़ियाँ आती रहती हैं ना तो डर लगता है बहुत। जूलियट बच्चों में भाग जाती थी रोड पर, बहुत डर सा लगता था। है ना बच्ची, ए बेटू ए बेटू। और आगे की सोसाइटी में हमारे जूलियट के बहुत दुश्मन रहते हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग्स है, दुश्मन इन द सेंस कि भागते हैं वो, डराते हैं, और क्या अटैक भी हो सकता है कभी भी। तो मैं उधर ज़्यादा लेके नहीं जाता, इवन मुझे खुद को डर लगता है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए किसी दिन, इसीलिए दूरी मेंटेन बना के रखो, कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। सेफ्टी पहले, ना उनको नुकसान हो ना हमको नुकसान हो। चलो कुछ दिन से मैंने YouTube ब्लॉगिंग क्या चालू करती है, मुझे बड़ा चस्का लग गया है यार इसका, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में, जूलियट की सारी बातें बताने में। इससे क्या है कि मेरी मेमोरीज़, मेरी जूलियट के साथ सारी मेमोरीज़ इकट्ठा हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, हम कभी भी देख पाएंगे और बहुत अच्छा रहता है ना। आने का प्लान कुछ नहीं रहता, हम इतने रात को कभी आते नहीं है वैसे, बहुत रेयर केस में आ जाते हैं।
और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इस पे कि अपने डॉग को कैसे ट्रेन करें PN 40 के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा, एक वीडियो बना दूँगा उस पे प्रॉपर कि मैंने कैसे जूलियट को हैंडल किया, कैसे होता था मेरे साथ, मैंने साफ़ किया है कि नहीं जूलियट का सुसु पॉटी या नहीं, ये सब मैं बताऊँगा उसमें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो। ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट जाते हैं ऑटो वाले, तो बहुत डर सा लगता है ना बेटी। चुनो बेटू चलो, अभी जूलियट को हम घर पे लेके जाएंगे तो फिर से जूलियट के पैर मुंह धुलाया ही जाएगा। ये देखो बारिश आ रही है हल्की हल्की सी, जूलियट हल्की की बारिश आ रही, चलो चलो। ये कौन आ गया जूलियट, ये कौन आ गया? नहीं नहीं ठीक है चलो। जूलियट देखा मिलती नहीं है, मेल डॉग से कभी भी जूलियट मिलती ही नहीं है, दूर से ही कट लेती है। तो हल्की हल्की बारिश आ रही है इसलिए हमको भागना पड़ेगा, और हम भाग रहे हैं। ये पहली बार मैं कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगेगा, ये अच्छा लगेगा या नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, बट ठीक है। जूलियट चल जल्दी, बारिश आ गई, पकड़ जल्दी भाग जा, बारिश आ गई जल्दी भाग जा, जल्दी भाग जा। भाग भाग क्या आ रही है, ये अच्छा था यार, ये काफ़ी अच्छा फुटेज मिल गया, हमको मज़ा आएगा। एवन जूलियट यहाँ पे कभी कभी बैठ भी जाती है बहुत आराम करने के लिए जब थक जाती है, वैसे आज तो थकी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी बैठ गई मैडम, इनको बैठना यहाँ पे बहुत पसंद है, और बैठ के बैठ के ऐसे व्यू देखना बहुत पसंद है, समझ में आ रहा है आपको, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारी सोसाइटी यार, काफ़ी शांत है, काफ़ी प्यारी है, काफ़ी अच्छी है। चलो चलो हम जाएंगे घर। इस हम घर पे आ गए हैं, जूलियट का पैर धुला दिया है, मुंह धुला दिया है, अब सोएंगे, अब सुबह उठेंगे, फिर से वही सारी प्रोसेस, सब कुछ वही, बट कुछ नया होगा तो वो हम सब आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। बस आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। Love you all from Prashant Jewelers Jodi. Love you all.